इतनी बेशर्मी हुई है कि शब्द मैं सुना नहीं सकता आपको, वो शब्द दिखा नहीं सकता मैं आपको। ये प्रदर्शन है जिसमें मां की गाली दी जा रही है एक पार्टी को, ये प्रदर्शन है जिसमें भद्दी और गंदी गालियां दी जा रही है अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को। इज दिस फाइन? ये देखिए आप, ये कुछ पोस्टर्स तो मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें मोदी जी सुधर जाओ या गुजर जाओ, ये तो मैं दिखा रहा हूं आपको, लेकिन उसके अलावा गालियां लिखी गई हैं, वो गालियां हमने पूरी एडिट कर दी हैं। मां बहन की गालियां लिखी गई हैं, नरेंद्र मोदी जी गुजर जाए, मर जाए। गुजरने का मतलब तो यही होता है ना। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी को मां बहन की गालियां निकालकर, अमित शाह को मां बहन की गालियां निकालकर सब कुछ सही हो जाएगा? देखिए, मैं कल था उस प्रोटेस्ट में अमीश भाई, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था, सारे युवा सारे स्टूडेंट वहां पर मौजूद थे, मगर ये जो उन्होंने कहा ये इससे तो बहुत कम हुआ जो वो घटना जेएनयू में की, ये एबीवीपी के दरिंदों ने जो गुंडाइज्म जो टेररिज्म जेएनयू में जाकर किया दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, और अमित शाह और मोदी की पूरी नॉलेज से और परमिशन के साथ, हैदराबाद में कौन सी जांच एजेंसी आपने खोली हुई है? ये तो युवा उतरा है, हैदराबाद में कौन सी जांच एजेंसी आपके पास वारिस जी? अरे हमारी तो पूरे सुनिए, अरे शायद आप शायद सोशल मीडिया फॉलो नहीं करते, टीवी नहीं देखते, सामने दिखाइए आप, शायद ऐसा लग रहा है, वरना आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे काफी कुछ सामने दिखा रहा हूं, किस दिन से किस गेट से, मैं तो काफी कुछ सामने दिखा रहा हूं, किसको मारना है कहां मारना है हर चैट है, दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अमित शाह, अरे अमित देवगन जी जरा सवाल करिए दिल्ली पुलिस से कि अब तक कितने एबीवीपी के आतंकियों को इन्होंने अरेस्ट किया उस घटना के बाद, बताइए मुझे कितने लोगों को अरेस्ट किया है अभी तक का। वो लोग आपस आराम से घूम रहे हैं खुली हवाओं में, जिनको होना चाहिए दिल पर हाथ रखे जवाब दीजिए, नहीं 3 महीने तक चल रहा था, हाथ रखकर जवाब दीजिए जेएनयू में, ये दिल्ली पुलिस मोदी की थी और अमित शाह की नॉलेज के बिना हो सकता है? जवाब दीजिए ना, क्या आते हैं लोग जिन लोगों ने जाकर वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया, तार काटे, तोड़फोड़ की एडमिन ब्लॉक में, उसके ऊपर चुप्पी, ये इनकी इजाजत से जानकारी के साथ हुआ है और आंदोलन चलता है। आप बात कर रहे हैं, अरे आतंकियों का समर्थन करने वाले आज आतंक की भाषा बोल रहे हैं, अचल गुरु के समर्थन में ये, इशरत जहां के समर्थन में ये, जाकिर नायक के समर्थन में ये, तस्लीमा नसरीन के ऊपर हमला करने वालों के समर्थन में ये, बुरहान वानी के समर्थन में ये, और यहाँ के भाषण दे रहे हैं। इसीलिए अमीश जी मैंने कहा था संविधान के दायरे में रहकर हमारी बात का जवाब, साधु का भेष भर के आया है, देश भर के छात्र को सावधान रहना चाहिए, हमारी को समझना चाहिए, रहकर चेहरे बनाए हुए चेहरे को समझना चाहिए, और अमित शाह की फासिस्ट गवर्नमेंट के सामने हम लड़ते रहेंगे। आज देश का युवा रस्ते पे उतरा है, आज बीजेपी वर्सेस युवा हो चुका है, आज मोदी अमित शाह की फासिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ देश का युवा उतरा है, और ये हमारा भविष्य।